हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो शादी के सेकंड व्लॉग में आप लोग का बहुत बहुत वेलकम है। वीडियो थोड़ी लेट पोस्ट हो रही है नेटवर्क के कारण गाइस, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। तो यहाँ पे दूल्हे के हाथ में लग रही है मेहंदी, और जैसा कि आपने पहले व्लॉग में देखा है कि मेरे हाथों में पहले मेहंदी लग चुकी थी और एक रस्म भी हुआ है चुलमाटी का। तो देन ये सेकंड व्लॉग है, यहाँ पर दूल्हे के हाथ में मेहंदी लग चुकी है गाइस, और उसके बाद अब जो दूसरा रस्म है उसकी तैयारी होने वाली है। तो यहाँ पे मंडप जो है वो तैयार हो रहा है, और यहीं पे मैं बैठी हुई थी तो एक लोहे का रॉड जो है वो मुझ पे गिरने वाला था। बाल बाल बची हूँ मैं सच में। तो यहाँ पे तैयारियाँ चल रही है, देख सकते हो आप, काफ़ी काफ़ी जगह पे ये डेकोरेशन हो गया है, और बाकी जो मेन मंडप जहाँ पे मंडप बनाना है वहाँ का डेकोरेशन चल रहा है। और अब जो है दूल्हे को निकालने की बारी है। तो दूल्हे को जब निकालते हैं ना तो इस तरीके से पूरा कवर कर देते हैं, उसका फेस थोड़ा सा दिख रहा है, और ये एक पतली सी लकड़ी है उसमें 6-7 पूरियाँ लगा के निकालते हैं। तो इसको जो भी उसकी सालियाँ वगैरह है ना वो सब इसको छीन के खा सकती हैं, ऐसा रस्म है। तो यहाँ पे इसको दूल्हे को निकाल चुके हैं बाहर और हम भी पीछे पीछे आ गए हैं। ओके, तो इसके बाद अभी मंडप सजाना है, और मंडप सजा नहीं है क्योंकि रात का टाइम है, और पहले एक बार यहाँ पे तेल चढ़ाना बोलते हैं, तेल चढ़ेगा उसके बाद फिर हम मंडप सजाने का जो रस्म है वो करेंगे। तो यहाँ पे मेरी बहन निकल चुकी है, आप देख सकते हो, ये इसको बोलते हैं छत्तीसगढ़ में पर्रा, जो वो सर के ऊपर रखी है। तो इसमें सारे पूजा के सामान होते हैं, दिया, धूप और अगरबत्ती वगैरह है ना। तो यहाँ पे दूल्हा आ चुका है, वीडियोग्राफी चल रही है। वीडियोग्राफी के कारण काफ़ी टाइम वेस्ट हुआ है क्योंकि रुकना पड़ता था बार बार फोटोग्राफी के लिए, वीडियोग्राफी के लिए, तो ऐसा हुआ है। तो यहाँ पे एक उसके लिए स्पेशल पार्ट जिसको छत्तीसगढ़ में पीढ़ा बोलते हैं वो बनाया हुआ है, और इसके ऊपर जो है वो दूल्हा बैठेगा, और उसके बाद जो आगे की रस्में हैं वो चालू होगी। तो गाइस, वीडियो आप लोग पसंद नहीं कर रहे हो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं। तो हम हमेशा क्लॉथ वॉशिंग का या लेगीस में वीडियो बनाओ, जैसे आप लोग शेयर करते हो मेरे पास अपना कमेंट, तो मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग को उस तरीके की वीडियो देखना पसंद है। बट गाइस, अब मैं जो जो हो पा रहा है या जैसे मैं कंफर्ट हूँ वैसे मैं वीडियो बना रही हूँ, और अब मैं फैमिली में रहती हूँ तो थोड़ी सी मुझे दिक्कत होती है ड्रेसिंग को लेके। वैसे मुझे बोलनी तो नहीं चाहिए क्योंकि उतनी भी मुझे प्रॉब्लम नहीं होती, बहुत मॉडर्न फैमिली है, बहुत अच्छे ख्यालों वाली फैमिली है, तो मुझे दिक्कत नहीं होती। फिर भी हम थोड़ा सा गाँव में रहते हैं तो सोचना पड़ता है, और मैं आप लोगों से होप करती हूँ कि आप लोग हर तरीके के कॉस्ट्यूम में, हर तरीके के कंटेंट पर सपोर्ट करिए, क्योंकि ऐसा होता है ना कि हम एक ही कंटेंट पे वीडियो बनाते जा रहे हैं तो बाकी कंटेंट छूट जाता है। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग सपोर्ट करिए प्लीज़, दिल से लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, तो यहाँ पे दूल्हे राजा बैठे हुए हैं और हम जा रहे हैं आगे का रस्म करने। तो यहाँ पर जो क्या बोला जाता है, आम के पेड़ का जो डाली रहता है जिसको हम मंडप पे लगाएंगे, डंगाल जिसको बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में हो, है ना, तो उसको लेके हम जा रहे हैं मंदिर, क्योंकि शादी का घर है, शादी का रस्म है, तो बिना पूजा के कोई भी यहाँ पे विधि विधान होता नहीं है। तो उसकी पूजा हम करने जा रहे हैं, और जिसको डारा परघाना बोलते हैं, डारा मतलब डंगाल, डंगाल मतलब शाखा, आम का जो पेड़ का जो शाखा है उसको परघाना मतलब क्या बोलना चाहिए, छत्तीसगढ़ी में तो परघाना बोलेंगे, मना के खुशी खुशी उसको घर के अंदर लाना, हिंदी में ऐसा मैं कोशिश कर रही हूँ बताने की। तो उसको हम लेके जा रहे हैं और उसको अच्छे से उसका पूजा पाठ करेंगे, उसके बाद उसको घर में लाएंगे, और घर में लाने के बाद उससे हम मंडप को सजाएंगे। मतलब जो मंडप होता है ना वहाँ पे आम का जो डाल रहता है उसको बांधा जाता है, और तो इसीलिए हम उसको परघाने जा रहे हैं, परघा के लाएंगे। और रात का सीन है ये 8 बजे का, तो आप देख ही सकते हैं, और इसके बाद फिर आगे का व्लॉग चालू होगा। मुझे वैसे छत्तीसगढ़ी शादी बहुत पसंद है, बस थोड़ा सा रात हो जाता है रिसेप्शन में, वही थोड़ा सा बुरा लगता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, बाकी शादी बहुत अच्छा लगता है। तो फाइनली देख सकते हो आप, यहाँ पे जो आम का जो डाल है उसको ला चुके हैं मंदिर के पास में, और यहाँ पर फिर जो जो पूजा करना है, जो भी विधि विधान से जो किया जाता है, जो हम लोग को बता रहे हैं बड़े बुजुर्ग जो है ना हमारे साथ आए हुए, वो हमको बता रहे हैं वैसा वैसा हम कर रहे हैं, क्योंकि मुझे भी नहीं आता और मनोरमा को भी नहीं आता, मुझे तो बिल्कुल नहीं आता,
था। और यहाँ पे मनोरमा जो है वो मेन कैरेक्टर प्ले कर रही है, मैं बस उसका सपोर्ट कर रही हूँ और बाकी जो है वो बता रहे हैं। तो यहाँ पे फिर से वही, जब हम मिट्टी लाने के लिए गए थे तो लीपना मतलब ऐसे हाथ से थोड़ा सा लीपना पानी से, फिर आटे के घोल से ऐसे उसको थोड़ा सा ऐसे क्या बोलना चाहिए, सजाना सजाना या जो भी आप समझो, क्योंकि एक्चुअल वर्ड मुझे नहीं मिल पा रहा है इसके लिए। उसके बाद जो हम यहाँ पे मुठिया बनाए हैं गोबर का, भात का, उसको रखना है, फिर दिया जलाना है, उसके बाद मंदिर का पूजा करना है और इस तरीके से दारा को परघा के घर में लेके जाना है और उससे मंडप तैयार करना है। तो ये सारा प्रोसेस है गाइस, मैंने आपको बता दिया जैसे जितना मुझे समझ में आया। आप लोग व्लॉग देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा, और पसंद आता है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, तो गाइस फाइनली पूजा हो गया है ख़त्म, और डारा वारा जो भी था वो हम लोगों ने परघा लिया है, और अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। तो व्लॉग कैसा लगा आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, अच्छे अच्छे कमेंट करना, लाइक कर देना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो ये था शादी व्लॉग का पार्ट टू, और पार्ट थ्री कब आता है ये देखते हैं, रेंज के ऊपर है क्योंकि अभी बारिश का सीज़न चालू हो गया है तो रेंज जो है नेटवर्क जो है वो रहता नहीं है दो दो तीन तीन दिन तक। तो जब भी मुझे लगता है कि अब सही नेटवर्क है मैं अपलोड में डाल देती हूँ और देन वीडियो पोस्ट हो जाता है, थोड़ा सा ज़ुबान इधर उधर हो जाता है, इसलिए सॉरी। तो बस गाइस ये था आज का व्लॉग, आप सब अपना ख्याल रखिए और प्लीज़ 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 सपोर्ट करिए, सपोर्ट ड्रेसिंग सेंस पे मत जाइएगा गाइस, कंटेंट देखिए, मैं आप लोग को एंटरटेन करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ और मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, मुझे किसी भी चीज़ के लिए कोई रोक टोक नहीं है गाइस, लेकिन आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए, बस आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। लव यू गाइस, यू सून, बाय।